हेलो चिल्ड्रन, योर हाफ ईयरली एग्ज़ाम इज़ बीन कम्प्लीटेड एंड वी आर बैक अगेन टू आवर स्टडी। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर, चैप्टर 4, टच टाइपिंग प्ले विथ टेक्स्ट एडिटर। प्लीज़ टेक आउट योर बुक एंड ओपन द पेज नंबर 37। First, it is given introduction. Just have a look. Dobu. Hey, Tobu. I heard my friends talking about touch typing. Do you know what is touch typing? Dobu ने Tobu से कहा कि मैंने अपने friend को touch typing के बारे में बात करते हुए सुना। क्या तुम जानते हो touch typing क्या होता है? Tobu. Touch typing is a method of typing in which the typist type without looking at the keyboard. तब टोबू ने रिप्लाई किया, टच टाइपिंग एक ऐसा मेथड होता है जिसमें टाइपिस्ट जो है वो कीबोर्ड को बिना देखते हुए टाइप करता है। दोबू, वाओ, इज़ इट पॉसिबल? वाट इज़ द बेनिफिट ऑफ टच टाइपिंग? दोबू ने कहा, क्या यह संभव है? टच टाइपिंग की फिर क्या बेनिफिट्स हैं? टच टाइपिंग इज पॉसिबल इफ वन प्रैक्टिस रेगुलरली। एज विथ प्रैक्टिस वी विल बी एबल टू रिमेंबर द लोकेशन ऑफ कीज ऑन द कीबोर्ड। टच टाइपिंग पॉसिबल है अगर कोई हमेशा इसके प्रैक्टिस में रहता है, और प्रैक्टिस में रहने से हमें कीज़ के लोकेशंस आराम से याद हो जाते हैं। लुक एट अ पेज नंबर 38। टच टाइपिंग can improve or increase the typing speed and reduces error. Touch typing जो है वो हमारे typing speed को बढ़ाता है और गलतियों को कम करता है। Besides, it's all about adopting healthy computer habits to reduce the risk of इंजरी एंड टू प्रोवाइड इंक्रीज्ड कंफर्ट। और इसके अलावा टच टाइपिंग की प्रैक्टिस से हमारी कंप्यूटर हैबिट वो और अच्छी होती हैं और हम बहुत कंफर्ट फील करते हैं। दोबू, लास्ट वीक आई वेंट टू द बैंक विथ माय मदर। देयर आई सॉ स्टाफ of the bank were typing on their keyboard without looking at the keys. I am sure they have practiced a lot. Dobu ने कहा कि last week मैं अपनी मम्मा के साथ बैंक गया था। मैंने वहाँ देखा जो बैंक के स्टाफ थे वो बिना कीबोर्ड की तरफ देखते हुए टाइप कर रहे थे। मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया है। टच टाइपिंग इज द एबिलिटी टू टाइप फास्ट विदाउट हैविंग टू लुक एट द कीबोर्ड। टच टाइपिंग एक ऐसी एबिलिटी है जिससे हमारी टाइपिंग स्पीड इंक्रीज होती है और हम बिना कीबोर्ड को देखते हुए आसानी से टाइप कर सकते हैं। फादर, इफ यू नो हाउ टू टाइप then you can learn to touch type by following these steps. अगर तुम सीख लोगे कि कैसे टच टाइप करते हैं इन स्टेप्स को देखते हुए, तो तुम भी आसानी से टच टाइपिंग सीख लोगे। जस्ट हैव अ लुक टू दीज स्टेप्स।
steps to be followed. Know the home keys. These are the most important keys used during touch typing. There are different home keys for different fingers. Home keys जो हैं वो बहुत important हैं टच टाइपिंग में, और हर फिंगर के लिए अलग अलग होम कीज हैं. जस्ट लुक एट द पिक्चर गिवन इन पेज नंबर 38. ऑन आवर लेफ्ट हैंड, पहले हम लोग अपने लेफ्ट हैंड को कैसे प्लेस करेंगे कीबोर्ड पे, उसे हम लोग देखते हैं. प्लेस योर स्मॉलेस्ट पिंकी फिंगर ऑन द ए की, योर रिंग फिंगर नेक्स्ट वन अलोंग ऑन टू द एस कीज. पहले हम लोग सबसे छोटे फिंगर को ए पे प्लेस करेंगे, फिर रिंग फिंगर को एस पे, योर मिडल फिंगर लॉन्गेस्ट फिंगर ऑन टू द डी की, एंड योर पॉइंटर फिंगर ऑन टू द एफ की. हमारे मिडल फिंगर को हम डी पे प्लेस करेंगे, एंड देन हमारे पॉइंटर फिंगर जो थंब के बगल में है उसको एफ पे. ऑन आवर राइट हैंड, प्लेस योर स्मॉलेस्ट पिंकी फिंगर ऑन टू द सेमी कॉलन की, योर रिंग फिंगर ऑन टू द एल की, योर मिडल फिंगर ऑन टू द के की, एंड योर पॉइंटर फिंगर ऑन टू द जे की. फिर हम लोग राइट हैंड को देखते हैं कि हम लोग राइट हैंड को कैसे प्लेस करेंगे कीबोर्ड पे. सबसे पहले हम लोग स्मॉलेस्ट फिंगर को सेमी कॉलन पे प्लेस करेंगे, देन रिंग फिंगर को एल की पे, और मिडल फिंगर को के पे, एंड अवर पॉइंटर फिंगर को जे की पे. देन लुक एट द पेज नंबर 39. Your thumb. Place both of your thumb onto the space bar. और दोनों thumb को हम लोग space bar पे place करेंगे. But position each hand thumb in such a way that it is roughly underneath the key its pointer finger is on. Look at the picture. In this way we will place our thumb on the space bar key. Here it is given finger then keys. Kis finger ko kis keys pe it is place karenge. Left hand pinky A, left hand ring finger S, left hand middle D, left hand index finger F, then right hand index finger को J पे, right hand middle finger को K पे, right hand ring finger को L पे, and right hand pinky finger को semicolon पे. Always remember that the home keys are very important if you wish to learn the touch typing. हमेशा हमें इस बात को याद रखना है कि होम कीज़ जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर हम टच टाइपिंग को सीखना चाहते हैं. आई होप ऑल ऑफ यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस चैप्टर. थैंक यू.